दोस्तों नमस्कार मैं हूं पालर गोपाल दोस्तों पिछले कई वीडियो में यह लगातार कमेंट आ रहा था कि सर ए या टेक्नीशियन में कौन बेस्ट होता है कोई कहता है कि ए सही है तो कोई कहता है टेक्नीशियन सही है फॉर्म भरते समय ये कन्फ्यूजन ना हो तो आप हमें गाइडलाइन कीजिए तो दोस्तों आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है आज इसमें हम बताएंगे पांच ऐसे मुख्य अंतर जिसमें कि आप खुद निर्णय लेंगे कि ए सही है या टेक्नीशियन सही सबसे पहले हम जानते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भरते समय आपका क्वालिफिकेशन टेंथ प्लस आईटीआई ये मिनिमम होना चाहिए उसके बाद अगर आपके पास डिप्लोमा है तो बहुत अच्छा है अगर आपके पास बी -टेक, टेक है तो भी बहुत अच्छा है अगर हम टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन का फॉर्म भरते समय आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन टेंथ प्लस आई आई है चलिए आप बात करते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो वर्किंग है वो कैसा है असिस्टेंट लोको पायलट में जब भर्ती होंगे तो काम की अगर बात करें तो इनमें आपको कभी भी बुलाया जा सकता है यानी आपको रेस्ट 16 घंटा मिलेगा ही ड्यूटी करके जब आएंगे तो आपको 16 घंटा का रेस्ट मिलेगा 16 घंटे के बाद जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगा चाहे वो रात हो सुबह हो या दोपहर हो धूप हो गर्मी हो आपको वो बुला लेंगे और आपको जाना होगा अगर हम बात करें टेक्नीशियन की तो टेक्नीशियन का फिक्स टाइम होता है आठ घंटे का ड्यूटी होता है उसका एक पीरियड चलता है आप हमेशा घर का खाना खाएंगे जबकि असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट को कुछ दिन घर का खाना मिलता है तो कुछ दिन बाहर का खाना मिलता है अब दूसरा है ए और टेक्नीशियन का जो वर्क लोड है या वर्क कैसा होता है उनके बारे में जानते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ए या लोको पायलट का काम होता है गाड़ी को चलाना और वहीं जो है टेक्नीशियन का काम होता है गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको ठीक करना जैसे टेक्नीशियन जो इलेक्ट्रिकल विभाग के हैं इलेक्ट्रिकली अगर कुछ खराब होता है इंजन में तो उनको ठीक करना होता है या कोच में कुछ खराब होता है तो उनको ठीक करना पड़ता है जो मैकेनिकल कैटेगरी में है तो जो मैकेनिकल का कुछ खराब होता है डीजल इंजन में कुछ खराब होता है तो उनको ठीक करना होता है और भी बहुत सारे काम है टेक्नीशियन में जो कि अलग अलग विभाग में बाँटा गया है और सबका काम अलग अलग होता है अगर हम तीसरा अंतर देखें तो ड्यूटी की पीरियड की तो ए का जो है ड्यूटी ये अनलिमिट रहता है आपका ड्यूटी आठ घंटा भी हो सकता है दस घंटा भी, भी हो सकता है बारह घंटा भी हो सकता है जबकि टेक्नीशियन का ड्यूटी फिक्स रहता है इसमें आठ घंटा आपका काम होगा एल में यह निश्चित नहीं रहता है कि आपको रेस्ट मिलेगा दिन में या रात में जब भी आप ड्यूटी करके आएंगे तो उसके बाद जो आपको सोलह घंटा तक आपको कोई नहीं टोकेंगे और रेलवे में यह नियम है कि वीकली रेस्ट आपको संडे को ही मिलेगा यह निश्चित नहीं है जिस दिन आपका छह से सातवा दिन हो जाएगा उस दिन आपको रेस्ट मिल जाएगा चाहे वह एल हो या टेक्नीशियन हो एल तो टेक्नीशियन के चौथे जो अंतर है वह है रिक्स इन सर्विस दोस्तों आपको बता दें हर एक सर्विस में रिक्स है चाहे वह ऑफिस में ड्यूटी करते हो या ऑफिस से बाहर करते हो। बट यह है कि हजारों लोगों की जान और करोड़ों का जो सामान होता है इस सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों आदमियों के ऊपर रहता है सो इसलिए इसके ऊपर रिक्स ज्यादा है इसमें खतरा है कि यदि आप लाल सिग्नल को पार कर गए तो भारतीय रेलवे इसको एक एक्सीडेंट मानती है चाहे कोई दुर्घटना हो अथवा ना हो वो तो मानती है कि आप एक दुर्घटना को अंजाम दे दिए हैं इसके लिए आपको रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर देते हैं या तो कभी कभी वो वापस बुलाते हैं बट अगर हम टेक्नीशियन की बात करें तो ए के तुलना में थोड़ा सा रिस्क कम है बट जो है इनके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है अगर किसी लोगों को या कोच को फिट करके दे दिए अगर उसमें कोई प्रॉब्लम निकलता है तो इसमें भी उसको चार्जशीट मिल जाता है सो so, अगर हम देखें तो हर एक जॉब में रिक्स है अगर आप केयरफुल होकर के अगर ड्यूटी करते हैं तो आराम से आप ड्यूटी कर सकते हैं और गवर्नमेंट सर्विस का मजा ले सकते हैं दोस्तों लास्ट जो अंतर है वो बहुत ही खास है क्योंकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है असिस्टेंट लोको पायलट भर्स टेक्नीशियन अगर हम असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट का सैलरी टेक्नीशियन से ज़्यादा होता है क्योंकि अगर हम पूरे भारतीय रेलवे में बात करें 1900 सौ पे ग्रेड पर असिस्टेंट लोको पायलट को जितना वेतन मिलता है उतना ओवरऑल किसी को नहीं मिलता है इसलिए जो है असिस्टेंट लोको पायलट का ख्वाहिश अधिकांश छात्रों में रहता है जबकि अगर टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन का जो सैलरी है वह एवरेज में रहता है आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप ज़िंदगी जो है ठीक ठाक जी सकते हैं दोस्तों इनके साथ आपको यह भी कहना चाहेंगे कि यदि आप गवर्नमेंट सर्विस को लेकर के आप अपने स्टडी को जारी रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आगे हम कुछ करें तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए टेक्नीशियन बेस्ट है क्योंकि टेक्नीशियन में आपको प्रॉपर टाइम मिल जाता है इसका ड्यूटी फिक्स रहता है सो आप वर्किंग के लोड ड्यूटी के पीरियड सर्विस के रिस्क और सैलरी को देखते हुए आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट सही है या टेक्नीशियन सही है तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा आपको फॉर्म फिलअप करते समय कोई परेशानी नहीं होगी तो दोस्तों असिस्टेंट क्लोको पायलट और टेक्नीसियन से रिलेटेड अगर और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद